हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉकिंग आवर नाज मॉम। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ बनना हर महिला की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई कारणों की वजह से महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं। उनमें से कुछ फिजिकल कारण भी हो सकते हैं जो लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं, जो गर्भावस्था की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रही है और कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपको कुछ चीजों में बदलाव करना होगा जिनके द्वारा आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, पीरियड साइकिल को मेंटेन करना। फ्रेंड्स, अगर मासिक धर्म अनियमित रूप से आते हैं तो कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। मासिक धर्म चक्र 21 दिन से कम होना या 35 दिनों से ज्यादा होना या फिर पीरियड्स 7 दिन से ज्यादा होना मासिक धर्म में अनियमितता के संकेत हैं। ऐसे होने पर तुरंत किसी गायनेकोलॉजिस्ट से इसकी जांच और इलाज करवानी चाहिए। सेकंड नंबर की बात करते हैं, आपको अपना डाइट का ध्यान रखना है। शरीर को पोषण की जरूरत होती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से महिलाओं के पीरियड्स पर बुरा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि उनका माहवारी चक्र अनियमित हो जाए। ऐसे में प्रेग्नेंट होना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अगर आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो आपको अपने डाइट में आयरन कैल्शियम से भरपूर चीजें ही शामिल करनी है। को ऐसे डाइट्स लेने हैं जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। अब फ्रेंड्स, थर्ड नंबर की बात करते हैं, एक्सरसाइज करना। व्यायाम से शरीर को कई फायदे होते हैं। इसमें मोटापा दूर होता है। व्यायाम करने से हार्मोन संतुलित रहते हैं, जिसके कारण गर्भवती होने में समस्याएं नहीं आती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। ज्यादा एक्सरसाइज करने से हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, जिससे गर्भावस्था में समस्या हो सकती है। आपको दिन में 10 से 20 मिनट का व्यायाम करना पर्याप्त रहेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स। फ्रेंड्स, अगर आप गर्भवती होना चाहती हैं, तो 6 माह पहले से ही गर्भ निरोधक दवाइयों का सेवन करना बंद कर दें। बर्थ कंट्रोल पिल्स हार्मोन्स को काबू करके अपना कार्य करती है। इसका असर प्रजनन स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए महिलाओं को गर्भ निरोधक दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी से बचना है तो आप दूसरे बर्थ कंट्रोल जैसे कॉन्डोम, कॉपर टी आदि का सहारा ले सकती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, आपको अच्छी नींद लेना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत जरूरी होता है। अगर आप गर्भवती होना चाहती हैं, तो आपको 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। आप चाहें तो दिन में 1-2 घंटे जबकि ले सकती हैं। नींद पूरी न होने से हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। जरूरत से अधिक भी एंड नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सोने से भी हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जिससे फर्टिलिटी में परेशानी होती है। इसलिए आप लगभग 7-8 घंटे सोने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, ज्यादा दवाओं का सेवन ना करें। दवाइयों का ज्यादा सेवन गर्भपात का कारण बन सकता है, जैसे कि एस्पिरिन, ब्रूफेन आदि प्रेगनेंसी की संभावनाओं को कई गुना कम कर देती हैं। इसलिए किसी भी दवाई का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपकी एज बहुत मायने रखती है। अगर मान लीजिए कि आपकी एज 26 है और एक दूसरी लेडी है उसकी एज 36 है, तो आप में कंसेप्शन के 100% चांस हैं, जबकि दूसरी लेडी में कंसेप्शन के 50% ही चांस रहते हैं। क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि 18 से 28 साल के बीच फर्टिलाइजेशन ज्यादा होता है, जबकि 30 की उम्र पार करने के बाद महिलाओं की प्रजनन क्षमता कम होने लगती है। इसलिए अगर आप बिना किसी परेशानी के गर्भवती होना चाहती हैं, तो 30 की उम्र से पहले ही गर्भधारण करने की कोशिश करें। कई बार कोशिश करने के बाद भी आप गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, लेकिन इस स्थिति में डॉक्टर से मिलकर इस बारे में बात करने के बजाय तथा गर्भधारण ना होने के स्पष्ट कारणों को जाने बगैर आप घरेलू नुस्खों और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करती रहती हैं, जो कि कई बार आपके लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है।
फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रॉकिंग आवर नाज मॉम। टेक केयर।